चेंज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो यहाँ से शुरू होता है सेकंड पार्ट। यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कैसे हम लोग गए थे बाटी चौका में, थोड़ा डिनर करने के लिए, फैमिली डिनर था। तो चलिए देखते हैं। हम लोग हैं बाटी चौका रेस्टोरेंट में, जो मेरे घर के बिल्कुल ही बगल में है, और सारे लोग आ चुके हैं। हम इसके बारे में बाटी चौका रेस्टोरेंट है, जो ऑल नो बहुत ही करीब है हमारे घर के, तो सारी फैमिली आई है यहाँ पर बाटी चौका खाने के लिए। बाटी चौका क्या, बाटी चौका ही खाना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए सब लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा बाटी चौका खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। फोटो का वेट है। तो ये है मेरी प्लेट में चोखा, दो बाटिया, रायता, नहीं दाल नहीं, दाल चाहिए क्या तुमको? अच्छा मंगवा दे रहे हैं, मंगवा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। ये है बाटी चोखा का, हम पूरी प्लेट में रहे, इस तरीके से कस्टमाइज वे में मंगवा रहे हैं, और साथ में हमारे हैं थम्सअप। कैसा है? अच्छा है, सब लोग खा लेंगे फिर बताएंगे। तो हमारा डिनर बिल्कुल हो चुका है, और सब लोग का पेट भर गया है, बहुत ज़्यादा ही भर गया एक्चुअली। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, और मैं डायरेक्ट जाऊँगी अपने घर। और सारा यहाँ, सारा तुम्हारा पेट भर गया कहाँ तक? यहाँ तक। अच्छा, बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलेंगे कल फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खैरियत से सारे लोग, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो गाइस, ऑलरेडी हम लोग ने ब्लॉग की एंडिंग कर दी थी, पर हम फिर से आ गए क्योंकि अब हो चुका है, क्या हो चुका है वही तो पता है। तो मैं और सारा, हम दोनों लोग लेटे हुए हैं बेड पर धड़ाम से, और तो हम लोग आराम से फोर व्हीलर में बैठ के आए, फिर भी हम लोग धड़ाम से लेटे, पता नहीं क्यों। तो सब लोग छोड़ने आए थे, मेरे सारे भाई लोग छोड़ने आए थे, है ना भाई, इतने बड़े बड़े मामू, चिकन बाबू मामू, उससे छोटा मामू, फिर एक और मामू, तीन मामू छोड़ने आए थे ना। तो सब लोग आए थे छोड़ने के लिए, सब लोग चले जा चुके हैं, क्योंकि सब रात भी देर, काफ़ी देर रात हो गई है। तो हम दोनों आते ही बेड पे धड़ाम पे लेट गए, शायन अपने दादा के पास चला गया तुरंत से, तो उसके दादा उसको खिला रहे हैं, थोड़ी देर में उसे ऊपर लेके आएंगे, वो भी सो जाएगा, और हम लोग भी थके तो थोड़ी देर बाद सो ही जाएंगे। तो बस, और सारा के पापा अभी नहीं आए हैं, क्योंकि वो गए हुए हैं कहीं शादी में, आई थिंक, जैसा हमें पता चला है अभी सूत्रों के हिसाब से, है ना। तो वो अभी नहीं आए हैं, वो अभी कहीं शादी में गए हुए हैं, थोड़ी देर में शायद वो भी आ जाएँ। तो बस यही है, और आ गया कॉल, तो मैं जा रही हूँ कॉल अटेंड करने पहले। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्चुअली सारा आज पहली बार स्कूल जा रही है, बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ गली से निकलने वाली है। मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा था सब बनाऊँगी, बट बिल्कुल समय नहीं मिला, तो अभी वो निकलेगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई हूँ, बट अभी वो गली से निकलेंगी। आज उनकी बस भी यहाँ तक नहीं आ पाई है, बस दूर स्टॉपेज पर कहीं खड़ी है, तो वहीं मैं भेज दूँ उसके पापा के साथ। बट अरे सारा आ जाओ, आ गई सारा, बस अभी जैसे निकलेगी, और इंशाल्लाह वो अच्छे से जाए। बहुत दिनों बाद जा रही है, ऐसे लग रहा है कहाँ इतने दिनों बाद जा रही है, बस अच्छे से जाए, बच्चे खैरियत से रहें, और मन लगा के पढ़ाई करें, दैट्स इट। तो चलो देखिए, अभी भी नहीं निकली सारा, जल्दी निकलो बेटा,
बिस्मिल्लाह करके बैठो अच्छे से। सलाम अलैकुम, डैडू को पकड़ लो। तुम्हारे बस में नहीं स्नेह लता, मैं मूंगी सारा सारा देख लीजिए। ओके तो सारा जा चुकी है, तो चले रूम में देख लेते शायान क्या कर रहा है। अरे तुम जाग गए हो? जागा हुआ मैं बैक कैमरे से निकाल। सुबह सुबह कौन जागा है भाई? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम डियर डियर शायान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। भूख को आई होगी ना? भूख आई है? फीलिंग हंग्री हंग्री, बहुत कंबल में बेटा हूँ। आ जाओ, अच्छा अच्छा, मम्मा सुबह सुबह मोबाइल ले आई ना बाबू। तो चलिए मैं थोड़ा सा शायान के साथ खेल लेती हूँ, को फीट करा देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, शायन को नूजू नूजू हो गया क्या बेटा? चलो अच्छा 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 अच्छा। अप्पी आने वाली है, चलो अप्पी को लेने चले। अच्छा 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 अच्छा, अप्पी को लेने चलोगे? चलो चलो अप्पी को लेने चला जाए, चलो 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 चलते हैं अप्पी को लेने। चलोगे ना? चलो तुमको लेके चल रहे हैं। अभी ड्राइवर अंकल का फ़ोन आया है ना। हाँ रुको रुको रुको, अरे बाप रे इतना जल्दी जल्दी चलेगा क्या? धीरे धीरे चलेंगे ना। अभी आ रही, टाइम लगेगा 2 मिनट। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो मैं चलो लेके आते हैं। आ रहे मुझे बोली 3-3 में है। चलो मैम, 3 सी का है, 3B का है टाइम टेबल भेजी अभी उसके पास। हम दुबई से, तो टाइम टेबल सही था ना? पर जब, अरे वेट तो करो। जब 3C में गए तो फिर उसके बाद सोच रहे जो ये बुक हम लाए ध्यान से बुक का जरूरत क्यों नहीं पड़ा। अच्छा सी क्लास में हाँ, अच्छा सब चीज़ सही जगह पे रखना ठीक है। कैसा दिन कैसा रहा ये बताओ पहले, मज़ा आया? बहुत दिन बाद गई ना। हाँ आंटी, आप अभी तक अभी तो आंटी आई ही हैं। अभी आई हैं? तुम्हारा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, तो छोड़ना ही था वैसे। आंटी बहुत टेस्टी भुजिया बनाती है ना। खोलो खोलो देखिए, इसमें ना लगे तेल वेल कुछ, ये ड्रेस पहनती हूँ। ठीक है कोई नहीं। कीवी अच्छा था ना? कीवी मीठा था ये वाला, और बहुत बैठा। बूढ़ी कैसी है? तो गाइस कुछ इसी तरह हमारा दिन बीता, तो आज मैं ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।